छोड़ दे पिज्जा, फिर क्या करता है ये। तो आज बड़े दिनों बाद फिर से हमारी वीडियो बन रही है फार्म पे, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ लग चुकी हैं और मैं अक्सर वीडियो में बोलता रहता हूँ कि हमारा जो टर्की है उसके लिए हम किसी फीमेल का मादी का इंतज़ाम करेंगे और इंतज़ाम हो चुका है। अभी अभी मादी लाए हैं हम, तो फिर से बता दें इसके बारे में कौन सी नस्ल की है। ये तो ज़र्द वाली नस्ल में है, गोल्डन 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 मादी लाए हम इसके लिए टर्की के लिए। अभी इसका रिएक्शन देखते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन इसका क्या होता है, यानी इसकी हमने इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं कि हमने इसकी शादी कर दी है। तो फिर से मस्ती तो स्टार्ट कर दी इसने, देख रहे हैं आप, इसने कंप्लीट मस्ती स्टार्ट कर दी है। चेक करें पिज़्ज़ा, क्या कहते हैं, क्या ख्याल है आपका, ये कम से कम 15-20 दिन के बाद 15-20 मिनट के बाद जोड़ा बन जाएगा। अच्छा, ये मध्य मुझे छोटी लग रही है, छोड़ दे पिज़्ज़ा, क्या करता है ये। चेक कर, ये भी इस पर मस्ती कर रहा है, क्योंकि इससे पहले हम इसके लिए फीमेल आई थी, आपने देखी भी थी, लेकिन वो फिर मर गई थी क्योंकि एक मुर्गा ने उस पर अटैक किया था। इनको बाहर निकाल दें ज़रा, तो फिर इसको पकड़ के लाएं बाहर, तो यहाँ छोड़ते हैं इसे, फिर सब ने नर को पकड़ लिए। चेक करें फिर साहब, क्या लगता है इसका कलर प्यारा है या इस मादी का? नहीं, ये उस वाला कलर मज़ा है। तो ये गोल्डन कलर में मादी बनी है, तो क्या हाल है, अंडे दे दी गई है? नहीं, कम से कम चंद दिनों के बाद शुरू करेंगे, लेकिन वजन ये बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये तो अभी छोटी है ना वजन से, क्योंकि ये घर में पला हुआ है और ये जो हम जहाँ से लाएँ तो अच्छी तरह पली नहीं थी, देखें ज़बरदस्त। तो फिर से छोड़ दिए फिर सब ने नर को। अच्छा, एक नया मुर्गा भी हम लाए हैं, देखें असील, किसी दोस्त के पास पड़ा था हमारा, इसने कुरीज तकरीबन कंप्लीट कर ली है, तो अभी हमें खोला हुआ हमने, क्योंकि अभी कोई मादी है नहीं हमारी यहाँ सेटअप पे, तो इसी तरह फिर रहा है। तो एक बार फिर जा रहा है नर इसके पास, मादी के पास, चेक करें। अंदर जा चुके हैं टर्की हमारे, तो देखते हैं कि नर मर रहा है या नहीं अभी से। तो देखें, ये सर में मार नहीं रहा, इसको आदि कर रहा है पेयरिंग के लिए, तो ये बहुत जल्दी पेयर हो जाएंगे। इनको बाहर निकाल दें ज़रा, ताकि बाहर निकल जाएं। ये पेयर तो हमने चेक कर लिया हमारा टर्कीज़ का, कि हमने इसकी ये मादी ढूंढ ली है, तो अभी अंडों का टाइम भी है, तो ये लोग अंडा कर लेंगे। तो एक और जगह बताते हैं, मैंने इसे पहले भी बोला था कि जो सर्दी आ चुकी हैं, हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो ऊपर बैठती हैं, तो इनके लिए कुछ सिस्टम करना पड़ेगा, तो काम इन्होंने किया हुआ है, आज मैंने देखा है। तो ये जगह चेक कर ले आपने, क्योंकि सिर्फ छत नहीं डाली और ये कम्प्लीट बन चुका है, सफाई इसकी करेंगे आज और इसके ऊपर छत डालेंगे ताकि ये सर्दी से बचे रहें, और सामने के लिए कुछ दरवाजे का सिस्टम करेंगे, सेटिंग कर दी है सर्दी से बचाने के लिए। देख रहे हैं सारी जगह हमने बंद कर दी है इनके लिए, तो जो जगह नज़र आ रही है इनको भी साथ में बंद करेंगे। फिर साहब देख रहे हैं लगे हुए हैं मुर्गियों के साथ, और मादी कहाँ गई फिर साहब, इसकी मादी वो अंदर चली गई, अंदर चली गई है, देख रहे हैं आप, वो इसे फिलहाल अभी डर रही है, तो बड़े कम टाइम में इसके पेयर हो जाएगी। ज़बरदस्त है, टोबले टोबले के बच्चे हमारे पास जो पड़े हुए हैं, तो इनके लिए फिर साहब हम इंसेक्ट्स बनाएंगे, जिसे हम कीड़े बोलते हैं, जो घर पर बनते हैं, उनसे इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, क्या ख्याल है आपका? कल उधर पड़ा है, कल पड़ा हुआ है जी हाँ, तो कल लाएंगे, एक दो चीज़ और लाएंगे। तो अच्छा, इस पर कम्प्लीट पीस हम वीडियो बनाएंगे, किस तरह बनते हैं घर पे जो कीड़े बनते हैं हम। तो आपका सबसे फेवरेट ये वाला था फिर साहब जी? जरा नज़दीक से दिखा दी इसकी जरा, बहुत ही क्लास का बच्चा है ये, तो इसकी आँख सिर्फ चेक करें आप, इसके डोरे भी देख रहे हैं आप लाल, ये एग्रेसिवनेस की निशानी है। अच्छा, मेरा जो सबसे फेवरेट था वो बेंगम था, तो मेरे ख्याल में फरीद भाई खुराक डाल रहे हैं, सब भाग गए उधर। फिर से आ गए। अच्छा फिर साहब, इसकी ग्रोथ उस तरह नहीं बन रही, ये फजरा जो हमारा, इसको पहले बीमारी लगी थी ना, इस वजह से बहुत कमज़ोर हो गया, खुराक भी सही करते लेकिन खुराक लग रही नहीं, इसे बड़ी नहीं बन, खुराक लग रही नहीं इसे। अच्छा, जो हम नई गाय लाए थे ये वाली, इसकी जो बची थी साथ में, वो किसी वजह से मर चुकी है, तो फिलहाल अभी ये अकेली खड़ी है। फरीद भाई सबको खुराक डाल रहे हैं, फरीद भाई ठंडी रोटी है ये, तो फल वगैरह डाला है या सादी रोटी? सादी रोटी, सादी रोटी डालने, देखी भिगोई हुई,
तो फिर साहब वो एक हमारे टर्की को भी बुला रहे हैं साथ में ताकि आदि हो जाए। फरीद खान इसकी लहरी तो डाल दें यहाँ पे जी, तो अपनी फीमेल कॉम ने अलग से डाला हुआ है ताकि मेरी से यहाँ मारे ना, तो कम टाइम इंशाल्लाह पैर लग जाएगा हमारा। तो फॉर्म अपडेट आपने चेक कर लिया, हमने जो जगह बनाई थी सर्दियों के लिए वो भी बन जाएगी आज इंशाल्लाह से, और हमारा टर्की भी आपने चेक कर लिया जिसके लिए हम अभी मादी लाएँ। तो उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, अगले व्लॉग में मिलते हैं, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।